यदि आप यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा दे रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। जैसा आप सभी को पता चल गया होगा कि आयोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिनों में कराने जा रहा है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि आपकी परीक्षा 1 दिन में होती थी, 2 शिफ्ट, मतलब 2 पेपर आपको देने होते थे, एक जीएस का, एक सीसेट का पेपर। अब आयोग ये कराने जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों का पेपर 1 दिन होगा और शेष बचे हुए अभ्यर्थियों का पेपर नेक्स्ट दिन होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको जो सीसेट और जीएस का पेपर मिले वो कुछ दूसरा हो और आपके मित्र को जो जीएस और सीसेट का पेपर मिले वो दूसरा होगा। मतलब इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, बहुत सारे उसके दुष्परिणाम होंगे जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए आयोग के समक्ष एक धरना प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना है कि प्रिय अभ्यर्थियों, 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अपने अधिकार के लिए एक शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करवाने हेतु इस धरना प्रदर्शन में जरूर शामिल हों। पहले बीपीएससी भी, बिहार जो लोक सेवा आयोग है वो भी, जो 17वीं पीसीएस की परीक्षा होनी है उसको 2 शिफ्ट में कराने जा रहा था, परंतु छात्रों के भावनाओं को समझते हुए या छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए वो भी उस परीक्षा को 1 शिफ्ट में ही कराने का उसने निर्णय लिया है। अब वो परीक्षा 13 दिसंबर को संभावित है परीक्षा होगी। अब आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा भी 1 शिफ्ट में हो, सभी के लिए समान पेपर हो। तो मतलब हम अभ्यर्थियों की यही मांग है कि ये परीक्षा जैसे पहले पूर्ववत होती थी, 1 शिफ्ट 1 दिन में होती थी, 2 शिफ्ट में, तो उसी प्रकार से ये परीक्षा कराई जाए और शुचितापूर्वक ढंग से कराई जाए कि पेपर आउट वगैरह ना हो, जैसा कि आरओ के समय में देखने को मिला था। यह उचित की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। अगर अभी आवाज़ बुलंद नहीं की तो परीक्षा के बाद कुछ नहीं होगा, इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोग शामिल हों।